तो आज के सेशन में करते हैं सबसे पहले स्टोरेज। तो हमारे पास देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के स्टोरेज। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे डिस्क के टाइप्स। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी हार्ड ड्राइव होती है। अब देखो कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज कॉस्ट वाइज जो होती हैं, सबसे पहले आती है यहाँ पे देखो SSD। परफॉर्मेंस हाई है, कॉस्ट भी हाई है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव भी उसी हिसाब से होती हैं। 128 GB कितने की थी? 120 GB 3000। हाँ, 120 GB 3000 की मिली थी। उसके बाद देखो आती है सेस। सेस मैंने आपको बताई थी, सेस ड्राइव जो है वो SCSI की एडवांस है, ठीक है, यानी कि सीरियल एडवांस SCSI। सेस ड्राइव सर्वर के लिए होती है, इनकी परफॉर्मेंस हाई होती है। तो उसके बाद देखो परफॉर्मेंस जो है SSD से कम परफॉर्मेंस है, ठीक है, कॉस्ट भी इससे कम होगी, ठीक है, परफॉर्मेंस इससे थोड़ी कम होती है। क्या कह रहे हो? स्पीड में परफॉर्मेंस मतलब स्पीड जो होगी ना, ये इसकी फास्ट होगी, SSD से थोड़ा सा स्लो है ये। इसके बाद आती है SCSI, इसके बाद आएगी, उसके बाद आ गई साटा, और उसके बाद है ID। तो ID सबसे स्लो है, उसके बाद साटा थोड़ी और फास्ट है, SCSI उससे और फास्ट है, सेस और फास्ट है, और सबसे हाईएस्ट है SSD, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस वाइज कॉस्ट वाइज जो है वो जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये कह रहा है कि एज परफॉर्मेंस इंक्रीजेस सो डज कॉस्ट, यानी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट अटैच स्टोरेज की। देखो स्टोरेज जो होते हैं डिफरेंट टाइप के हैं। पहला है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, डैश। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज जो होता है आपकी सर्वर के अंदर जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उन्हीं को एज ए स्टोरेज की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, सर्वर पे अवेलेबल हैं, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट अटैच स्टोरेज या डैश। यानी कि डैश डिस्क आर फिजिकली अटैच टू द सर्वर। एडवांटेज क्या है इसके? ईजी टू कन्फिगर। आप चाहे डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे और वहाँ से इसको कन्फिगर कर सकते हैं। इन एक्सपेंसिव सॉल्यूशन, यानी कि इसमें कोई खर्चा नहीं है इसको कन्फिगर करने में, क्योंकि हार्ड ड्राइव लाएंगे, अटैच कर देंगे और डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू उसको कन्फिगर कर देंगे। डिसएडवांटेज क्या है? आइसोलेटेड, बिकॉज इट अटैच्ड टू ए सिंगल सर्वर। यानी कि ये क्या है? सिंगल सर्वर में लगी, यानी कि आप लार्ज वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते, इसमें लिमिटेड कैपेसिटी के वॉल्यूम ही ऐड कर सकते हैं। जितने भी इसमें हार्ड ड्राइव के लिए स्लॉट बने हुए हैं उतने ही हार्ड ड्राइव ऐड कर सकते हो उसमें। और ये क्या है? आप हार्ड ड्राइव को निकाल सकते हो और लगा सकते हो उसमें, सर्वर से इजीली ये कनेक्ट हो जाती है, निकल भी जाती है। स्लोअर है, यानी कि इसमें जो अटैच स्टोरेज होगा वो उसमें आप जो ड्राइव यूज़ करेंगे वो किस टाइप की यूज़ करेंगे? सेस ड्राइव या SCSI ड्राइव। तो वो क्या है? उतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती, ठीक है ना, स्लो है थोड़ी सी। इसके बाद आता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS होता है, ये एक स्टेप आगे है डैश से, एक स्टेप आगे। अब इसमें क्या है? सेंट्रलाइज स्टोरेज होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या है, अगर आप डैश यूज़ करोगे तो सर्वर अगर फेल हो जाता है तो हार्ड ड्राइव भी फेल हो जाएंगी। सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, इसकी पावर सप्लाई फूक गई, कुछ हो गया, तो आपका स्टोरेज भी गया। जब तक आप ठीक नहीं कर पाते तब तक आपका स्टोरेज भी एक्सेस नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या किया? सेंट्रलाइज एक NAS स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा आपको, NAS डिवाइस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो इस तरह की जो डिवाइस होती है उसमें क्या है? स्लॉट्स बने होते हैं और ये सारी हार्ड ड्राइव उसके अंदर क्या है, आप माउंट कर सकते हो एक एक करके, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, उसको एक IP देके आप छोड़ सकते हो। तो उसमें उसकी स्क्रीन पे उसका IP लिख के आ जाएगा, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट IP होता है उसके अंदर डला होता है, उसे चेंज भी कर सकते हो आप। उसके पीछे LAN पोर्ट होगा, उस LAN पोर्ट से आप क्या करोगे, उसे कनेक्ट करके स्विच में अटैच कर दोगे, और स्विच से फिर क्या है,
डिफरेंट यूज़र उसे डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का जो अटैच स्टोरेज है उसे हम कहते हैं नेस, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। अब देखो इसके कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। अब देखो ये जो नेस होता है इसमें क्या है, सिर्फ आप शेयरिंग कर सकते हो इसके थ्रू, यानी कि शेयर फोल्डर्स वगैरह स्टोर कर सकते हो आप इसमें, ठीक है ना। कितना दिखाता है, क्या दिखता है, पेन ड्राइव देखो क्या होता है कि नॉर्मली जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, आप यहाँ पे हार्ड ड्राइव लेते हो 1 TB की, तो कैपेसिटी दिखाती है 931 GB दिखाती है, बाकी कहाँ गया बताओ। एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना उसको किस में बनाती है, MB के हिसाब से बनाती है। तो उसमें क्या है ना, आपका जो कंप्यूटर है वो रीड करता है 10 की फॉर्म में, तो इसमें बिट और बाइट के हिसाब से, यानी कि वो जो कैपेसिटी बना रहे हैं 1024 byte इज इक्वल टू 1 MB होता है ना, तो 1024 नहीं होता है, वो 100 होता है, उसी हिसाब से सेट करते हैं वो, यानी कि 1 GB हो गया 1000 MB। उसी हिसाब से अगर आप कन्फिगर करो तो उसे आप देख लो तो 931 GB जो है वो 1 TB के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे कैपेसिटी ले रहे हैं 1024 के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में मैन्युफैक्चर किस हिसाब से ले रहा है, 1000 के हिसाब से ले रहा है, यानी कि 1000 GB बराबर 1 TB, तो 1000 GB बराबर 1 TB तभी हो पाएगा, तो टोटल स्पेस आपका जो है उसी हिसाब से कंज्यूम होगा। अदरवाइज़ क्या है, आपका कंप्यूटर रीड करेगा 1024 के हिसाब से, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो 931 GB से ऊपर नहीं आएगा, यानी कि आपकी कैपेसिटी कम नहीं है, बराबर है। आप यहाँ पे नापने का जो मेथड है वो चेंज हो गया, यहाँ 1024 से मल्टीप्लाई कर रहे, वहाँ से 1000 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप क्या है, आपको कम स्टोरेज दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, एक्चुअल में पूरा ही स्टोरेज होता है आपका, ठीक है। उनकी यूनिट घटा दी है उसने, स्टोरेज की बनाने की यूनिट घटा दी है, 1024 के हिसाब से नहीं कर रहा है, 1000 के हिसाब से ही कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे स्टोरेज की बात कर रहे थे हम, तो नेस इज ए स्टोरेज दैट अटैच टू डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस एंड एक्सेस थ्रू द नेटवर्क शेयर, यानी कि हम क्या करते हैं, नेस बॉक्स लेते हैं, नेस बॉक्स में हार्ड ड्राइव ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे, एक IP डाल के नेटवर्क में छोड़ देंगे स्विच से कनेक्ट करके, ठीक है ना। अब उसको एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद उसमें शेयर फोल्डर बना के और उसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा रख सकते हो। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखो एडवांटेज क्या है, रेयरली इन एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है ये, इजी टू कॉन्फ़िगर, ये इजी टू कॉन्फ़िगर हो जाता है, यानी कि इसको वेब ब्राउज़र के थ्रू आप एक्सेस लेके इसमें आप डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन खोल के आप पहले फिजिकल वॉल्यूम ऐड करोगे, फिर इसमें वॉल्यूम ग्रुप बनाओगे, वॉल्यूम ग्रुप बनाने के बाद आप वॉल्यूम बनाओगे, इस तरह से इसमें प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप शेयर बनाओगे, ये सपोर्ट करता है NFS को, यानी कि यूनिक्स बेस्ड या लाइनक्स बेस्ड स्टोरेज को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, NFS को सपोर्ट करेगा ये आपका डायरेक्ट, और बाकी जनरल फाइल शेयरिंग को यूज़ करेगा ये, ठीक है। उसके बाद इसके देखो ये तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर है, स्पीड इसकी क्या है, कम है। इसको हम फाइल लेवल स्टोरेज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल लेवल स्टोरेज, इसलिए क्या है, ये स्लो है, नॉट एन एंटरप्राइज सॉल्यूशन, एंटरप्राइज के लिए उतना सुटेबल नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ आप शेयर फोल्डर बना के रख के एक्सेस कर रहे हो बस, वही ये सेंट्रलाइज एक्सेस हो जाएगा, बाकी आपके यूज़र उस फाइल फोल्डर को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है ना। नेस ऑफर सेंट्रलाइज स्टोरेज एट एन एफोर्डेबल प्राइस, प्राइस इसके अफोर्ड हैं तो इसलिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए देखो आप CIFS और NFS, फाइल लेवल एक्सेस, यानी कि CIFS और NFS ये दो तरह के प्रोटोकॉल हैं, इनको आप यूज़ करके शेयर करके एक्सेस करा सकते हो, इसलिए ये फाइल लेवल स्टोरेज कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लॉक लेवल स्टोरेज, वो आपका आएगा SAN। अब SAN की बात करते हैं, अब देखो SAN ऑफर्स द हायर अवेलेबिलिटी एंड मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। देखो तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपने
अपने सर्वर ले लिए, ये स्विचेस हो गए और ये स्टोरेज हो गया। तो इसके लिए देखो आपको सैंडबॉक्स परचेज करने पड़ेंगे। तो सैंडबॉक्स इसी तरह से आपके, जैसे आपका सर्वर है इतने पतले पतले होते हैं, उसमें आप हार्ड ड्राइव्स, मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगी होती है उसके अंदर, तो उसका अपना प्रोसेसर है, अपनी उसकी मेमोरी होती है, जैसे पूरा कंप्यूटर है उसी तरह वो भी पूरा कंप्यूटर है, वो भी पूरा सर्वर है, ठीक है ना। पर वो जो बूट होता है उसका जो कंसोल होता है उसका एक अलग से कंसोल आपको लेना पड़ता है, और वो इस तरह से जैसे लिनक्स बूट करता है ना, इस तरह से बूट करता है। उसके अंदर भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसको बूट करने के बाद वो खुल के आ जाएगा, वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डाल के आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसका क्या एडवांटेज है, उसका ये एडवांटेज है उसकी जितनी अंदर कैपेसिटी है उसको आप मिला के एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बना सकते हो। जैसे मैंने JBOD की बात की थी, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीपल हार्ड ड्राइव को मिला के एक सिंगल हार्ड ड्राइव यूज़ की थी। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास स्टोरेज अवेलेबल है, अब इसकी जितनी भी हार्ड ड्राइव हैं उनको मिला के एक लार्ज स्पेस क्रिएट कर लूँगा पहले मैं। उसके बाद क्या करूँगा, उसके अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स जो है अलग अलग कैपेसिटी की यूज़ कर सकता हूँ अपने सर्वर्स के लिए। अब जैसे सर्वर के लिए मुझे चाहिए 20 GB हार्ड ड्राइव, मेरे पास टोटल यहाँ पे स्टोरेज है 200-300 TB के, ठीक है। तो अब क्या है, टोटल कैपेसिटी में से अलग अलग कैपेसिटी की ड्राइव्स जो है वो बना के मैं पार्टीशन करके उसको क्या कर दूँगा, एक यूनिक ID के थ्रू सर्वर को असाइन कर दूँगा, और सर्वर क्या करेगा उसको ब्लॉक लेवल, यानी कि टोटल जो हार्ड डिस्क का जो ब्लॉक है वो उसको अवेलेबल हो जाएगा यूज़र को। तो यूज़र क्या है, अपनी सर्वर पे उसको एक्सेस करके यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज, यानी कि इसमें क्या है, हार्ड ड्राइव्स का ब्लॉक अवेलेबल कराना पड़ता है, यानी कि अलग अलग ब्लॉक में काटना पड़ता है इसको। यानी कि जो पार्टीशन यहाँ पे, तो देखो नॉर्मल पार्टीशन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको कहते हैं ब्लॉक बनाना। तो अलग अलग साइज़ का आप ब्लॉक बनाओगे, ठीक है ना, और उतनी कैपेसिटी आप क्या करोगे, अवेलेबल कराओगे यूज़र्स को, किसी भी यूज़र्स को आप किसी भी सर्वर पे यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए देखो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको सैंड बॉक्स लेना पड़ेगा, दूसरा आपको फाइबर चैनल स्विच, ये जो बीच में स्विचेज आ रहे हैं ये बात करेंगे फाइबर चैनल स्विच की। तो फाइबर चैनल स्विच जो होता है हमारा, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी मांगता है, यानी कि इसमें आपका नॉर्मली लैन केबल नहीं चलेगा, इसमें ऑप्टिकल फाइबर चलेगा, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इससे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, सर्वर में कनेक्टिविटी के लिए HBA कार्ड लेना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे सर्वर में HBA कार्ड नहीं होता, तो उसको अलग से आपको HBA कार्ड लगाना पड़ेगा। HBA कार्ड से आप ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक कार्ड के अंदर 2 HBA होते हैं, ठीक है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने मल्टीपल कनेक्टिविटी करनी है तो 4 HBA आपको लेने पड़ेंगे एक सर्वर में। 2 SAN हैं आपके, तो रेडंडेंसी आपको करनी पड़ेगी, मल्टी पाथिंग, जिसके थ्रू अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे से भी आप एक्सेस कर सकते, ठीक है ना। तो ये आप स्विचेस ले लोगे, ठीक है, फाइबर चैनल स्विचेस, ये कनेक्ट होंगे आपके स्टोरेज के ऊपर, यहाँ पे आपकी कैपेसिटी अवेलेबल होगी, ठीक है ना। अब देखो इसके एडवांटेज देख लेते हैं, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, यानी कि क्विकली एक्सेस हो जाता है क्योंकि फाइबर चैनल के ऊपर काम कर रहा है, तो फाइबर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है ये क्विकली एक्सेस हो जाता है, डेटा को क्विकली एक्सेस कर सकता है। हार्ड डिस्क को तुरंत ही दूसरे सर्वर में माउंट कर देगा, जितना ब्लॉक आपने काटा है उतना ब्लॉक तुरंत ही आप प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी सर्वर को। इजिली एक्सपेंडेबल, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी अगर कम हो गई है तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप मल्टीपल स्टोरेज को आप यूज़ करके यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। क्या देखो क्या होता है ना, आप क्या कर रहे हो, जो आपने स्टोरेज लिया हुआ है अगर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो उसमें आप क्या करोगे, जो पुरानी हार्ड डिस्क है उसको निकालना पड़ेगा और नई हार्ड डिस्क ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे पुरानी हार्ड डिस्क निकालोगे और नई हार्ड डिस्क लोगे तो रेड नहीं टूटेगा उसका, तो क्या करेगा, नई कैपेसिटी का रेड बना देगा। तो उसमें आपको पूरी पूरी हार्ड डिस्क रिप्लेस करनी पड़ती है, ना कि उसी के अंदर नई हार्ड डिस्क ऐड करनी। तो आपको पुरानी हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी, नई हार्ड डिस्क ऐड करनी। मान के चलते हैं आपके पास अभी लगी है 20 GB की हार्ड डिस्क, ठीक है, अब आपको मिल गई 1 TB हार्ड डिस्क, 2020 का आपने सारी हार्ड डिस्क निकाल ली, और उसकी जगह आप क्या करोगे, नई हार्ड डिस्क कैपेसिटी ऐड कर सकते हो,
तो क्या करेगा, कैपेसिटी को बढ़ा देगा, मतलब उसी सर्वर में नई कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, पुरानी हार्ड डिस्क आप हटा के फेंक सकते हो, फिर उनका कोई काम नहीं है, ऑटोमेटिकली वो रिबिल्ड कर देगा आपके रेड को, ठीक है ना, हमारा रेड का रिले टूटेगा नहीं। हाँ टूटेगा नहीं, तो उसमें आपको पुरानी कैपेसिटी की हटानी पड़ेगी या नई लगानी पड़ेगी बस, तो उतनी मार्केट से आप खरीद के ले आओ और लगा दो, पुरानी आपकी बेकार जाएगी। हाँ सेम कैपेसिटी की यूज़ होगी इसमें, जैसे मान के चलते 40-40 GB की आपने 3 हार्ड डिस्क लगा रखी है, कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो रेड में सेम अमाउंट का डेटा ही लेता है वो, तो आपको 40-40 वाली 3 हार्ड डिस्क निकाल के 1 TB की लगा देनी होगी। हाँ 3 ड्राइव 1-1 TB की लगाओगे तो आप रेड बन जाएगा उसमें, आप अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि भाई आप मल्टीपल क्या करोगे सैन को यूज़ करके उनके बीच में रिडंडेंसी बना सकते हो, तो उसमें क्या अगर एक आपका सैन फेल हो जाता है तो दूसरे सैन से आप एक्सेस कर सकते हो डेटा को, तो उसमें आप मल्टी पाथिंग यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल केबल जो है आपकी लग रही है उनको आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक सैन में जो केबल जा रही है पहले स्विच में डालनी पड़ेगी, स्विच से आपकी सर्वर्स में जाएगी मल्टीपल केबल। डिसएडवांटेज यही है कि ये भैया एक्सपेंसिव है, तो एक अगर आप लेने जाओ सैन तो करीब जो है 10 लाख से स्टार्ट होता है अच्छे वाला, ठीक है ना। हाँ ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों रुपए के सैन आते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा लोगे जितनी कैपेसिटी का लोगे उतने ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए के सैन लगे होते हैं, क्योंकि ये क्या है रिलायबल परफॉर्मेंस देते हैं आपको और लॉन्ग टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो विदाउट ऑफ किए। हाँ अब ये देखो इसमें क्या होता है कि 10 साल चलाना है या 20 साल चलाना है, इस हिसाब से मिलते हैं ये, भाई आपने कहा मुझे 10 साल चलाना है तो 10 साल के हिसाब से आपको देंगे 10 लाख, ठीक है ना, तो 24 आवर चलेगा, बंद नहीं होगा वो, कभी बंद नहीं होगा वो, 24 आवर चलेगा, इसमें डाउन टाइम की ज़रूरत नहीं है, ये जब तक घिस नहीं जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, समझ रहे हो, टाइम के हिसाब से मिलते हैं। हाँ कितने साल चलाना है आपको, 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे, उसी हिसाब से वो उतनी कैपेसिटी का आपको मिलेगा। रिक्वायर स्पेशलाइज स्किल्स, यानी कि इसको सेटअप करने के लिए स्टोरेज एडमिन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे आपको स्किल्स दिखानी पड़ेगी स्टोरेज एडमिन की, ठीक है ना, इसको कन्फिगर करना पड़ेगा। देखो सैन कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग फाइबर चैनल और आइदर iSCSI, या तो आप फाइबर चैनल यूज़ करो तो फाइबर चैनल मैंने आपको बताया था फाइबर चैनल पोर्ट होने चाहिए, तो सर्वर पे फाइबर चैनल पोर्ट एक्सेस करने के लिए आपको HBA कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप फाइबर चैनल यूज़ करते हो तो इसके अंदर क्या होता है हार्डवेयर iSCSI यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें देखो नॉर्मली क्या है, अगर आप बात करते हैं फाइबर चैनल तो डायरेक्ट आप एक्सेस करा सकते हो, दूसरा आपका जो प्रोटोकॉल है iSCSI जो प्रोटोकॉल है, कुछ लैन कार्ड होते हैं जो iSCSI को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें iSCSI हार्डवेयर हो गया और iSCSI सॉफ्टवेयर, दो तरह की टर्म आ रही है। iSCSI की बात करेंगे, देखो यहाँ पे iSCSI क्या है, देखो iSCSI इज ए स्टोरेज टेक्नोलॉजी, iSCSI स्टोरेज इन इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल वे टू कन्फिगर ए कनेक्शन टू रिमोट डिस्क, मैनी एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट डिक्टेट्स द रिमोट स्टोरेज कनेक्शंस मस्ट बी रिडंडेंट इन नेचर फॉर फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। देखो iSCSI स्टोरेज जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है iSCSI सॉफ्टवेयर, एक होता है iSCSI हार्डवेयर। तो अगर आपने क्या है लैन कार्ड परचेज किया है HBA कार्ड वाले, ठीक है, तो उसमें क्या है iSCSI हार्डवेयर डला हुआ है, तो जैसे आप उसको ड्राइवर को कन्फिगर करोगे तो iSCSI प्रोटोकॉल उसके अंदर ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाएगा, आपको अलग से iSCSI प्रोटोकॉल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सर्वर पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ iSCSI प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सेस होगा। दूसरा होता है कि हम अपने सर्वर को जिसमें आपके पास iSCSI यूज़ करना है और HBA कार्ड नहीं है, अब ये सर्वर इसमें HBA कार्ड नहीं है और आपको iSCSI यूज़ करना है तो iSCSI सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर तो यूज़ कर नहीं सकते, हार्डवेयर है नहीं हमारे पास, तो iSCSI का सॉफ्टवेयर वर्जन आप इंस्टॉल करोगे। तो उसके लिए क्या है 2012 के अंदर R2 में iSCSI स्टोरेज का फीचर दिया गया है। तो iSCSI के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका
इनिशिएटर और एक होता है टारगेट। तो iSCSI टारगेट कंपोनेंट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कहाँ पे, अपने सर्वर 2012 के अंदर। और जिस जगह आपको हार्ड डिस्क प्रोवाइड करनी है, रिमोट हार्ड डिस्क जो है आपको जहाँ प्रोवाइड करनी है वहाँ पे इनिशिएटर iSCSI इनिशिएटर प्रोटोकॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे, टारगेट से उसको कनेक्ट कर सकते हो, इनिशिएटर में आईपी डालोगे टारगेट का और उसे कनेक्ट करोगे, तो वो रिमोट हार्ड डिस्क आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएगी उस सर्वर पे, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी होती है इसमें। ये देखो देखो iSCSI क्लाइंट रन्स द iSCSI इनिशिएटर। देखो iSCSI क्लाइंट क्या हो गया, जहाँ पे iSCSI इनिशिएटर प्रोटोकॉल डाला हुआ, यानी क्लाइंट मशीन या आप कह सकते हो किसी भी सर्वर पे जहाँ हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए 2 TB की हार्ड डिस्क, स्टोरेज से आपको 2 TB एक्सेस हो जाएगा, एक ब्लॉक 2 TB का एक ब्लॉक मिलेगा, 2 TB का जब ब्लॉक आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए एक IQN नंबर जनरेट करेगा। ये IQN होता है इंटरनेट क्वालिफाइड नेम, ठीक है। इंटरनेट क्वालिफाइड नेम जो होता है वो क्या करता है, आपके इस सर्वर को बाइंड कर देगा, ठीक है, एक यूनिक एड्रेस के थ्रू। तो IQN नंबर इस सर्वर के लिए जनरेट कर देगा जहाँ हार्ड डिस्क अवेलेबल करानी है आपको, ठीक है ना। तो एक आइडेंटिफायर हो गया जिससे क्या कर सकते हो, आप अपनी हार्ड डिस्क को यहाँ अवेलेबल करा सकते हो, यहाँ हार्ड डिस्क नहीं है मेरे पास और यहाँ से मुझे ब्लॉक यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट करूँगा और उसका एक IQN जनरेट कर दूँगा इस मशीन के लिए। तो यूनिक IQN मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा, उसके बाद क्या होगा, मैं इस सर्वर को, ठीक है, इस अपने टारगेट से कनेक्ट करूँगा, IP डालूँगा इसका, कनेक्ट करूँगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आई इनिशिएटर क्या होता है। आई इनिशिएटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है या एक एडेप्टर है, सॉफ्टवेयर एडेप्टर, सॉफ्टवेयर क्लाइंट है जिसके थ्रू आप अपने टारगेट को कनेक्ट करते हो। टारगेट कौन हो गया, iSCSI टारगेट, जहाँ हार्ड डिस्क या स्टोरेज अवेलेबल है उसे कहते हैं iSCSI टारगेट, ठीक है ना। तो iSCSI टारगेट रन ऑन द स्टोरेज डिवाइस एंड इनेबल एक्सेस टू द डिस्क, ये डिस्क को इनेबल करने के लिए होता है। IP नेटवर्क इसलिए ज़रूरी है आपको क्योंकि रिडंडेंसी आपको करनी है, अगर आप मल्टीपल iSCSI की बात करें यहाँ पे तो एक स्टोरेज और लगाओगे आप, तो अगर एक डाउन होगा तो दूसरे से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपको देखो iSCSI टारगेट एंड इनिशिएटर, देखो iSCSI टारगेट सर्वर इट इज़ अवेलेबल एज ए रोल ऑफ दैट सर्वर 2012, यानी कि ये क्या है, सॉफ्टवेयर iSCSI है, नॉट ए हार्डवेयर iSCSI। तो ये क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की तरह आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके थ्रू देखो आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क या डिस्क लैक्स बूट कर सकते हो सिस्टम को, सर्वर एप्लीकेशन या स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो, हिट्रोजीनियस स्टोरेज यानी कि मल्टीपल टाइप के आप फाइल्स फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो इसमें। हिट्रोजीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेटाबेस नॉर्मल फाइल शेयरिंग को तो सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसमें आप डेटाबेस की फाइल रख सकते हो, VM की फाइल रख सकते हो, VM को बूट करा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोरेज यूज़ कर सकते हो आप, एप्लीकेशन लैब इन्वायरमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हो आप, तो इसलिए बेनिफिट कर आया है, ठीक है। इनिशिएटर आपका सारे क्लाइंट वर्जन में फ्री मिलता है आपको, 2012 के अंदर है, 8 में है, विंडो 7 में है, सब में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। उसके पुराने वर्जन में आपको डालना पड़ता है, अगर करना है कनेक्ट तो आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाके iSCSI इनिशिएटर सेटअप फाइल डाउनलोड कर लीजिए और उसको रन कर दीजिए। जैसे XP में चलाना है, XP में नहीं होता तो वहाँ चला सकते हो आप उसको, ठीक है। ये रेड वाला पार्ट मैंने कल बता ही दिया था आपको, रेड आपका, ठीक है, रेड 0, रेड 1, रेड 5, ठीक है। इसके बाद देखो ये थोड़ा सा देख लो, MBR और GPT। देखो MBR और GPT ये दो तरह के पार्टीशन टेबल बनती है यहाँ पे। जैसे आप हार्ड डिस्क जो है वो अटैच करते हो तो आपसे पूछता है ना कि MBR लेना है या GPT लेना है। तो MBR होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है, ये देखो सबसे पहले ये 1980s में डेवलप हुआ था और ये पार्टीशन फॉर्मेट होता है आपका और ये सपोर्ट करता है अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन एंड 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन। अगर आपने 4 प्राइमरी पार्टीशन ले लिए तो फिर आप एक्सटेंडेड नहीं बना सकते, तो आपको 3 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड लेना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट करता है 3 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड को या फिर 4 प्राइमरी पार्टीशन को। अगर आप एक्सटेंडेड नहीं ले रहे तो टोटल हो गए 4 प्राइमरी को सपोर्ट करेगा। प्राइमरी पार्टीशन बूटिंग के लिए काम आते हैं, यानी कि आप OS वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो उसमें, तो आप फास्ट एक्सेस कर सकते हो अपनी हार्ड ड्राइव को, ठीक है। सिस्टम पार्टीशन के लिए भी सबसे बेटर है।
कैन बी पार्टीशन अप टू 2 TB, 2 TB तक का आप इसमें वॉल्यूम साइज बना सकते हो, पार्टीशन बना सकते हो, 2 TB से ऊपर का आप इसमें साइज यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद आता है GPT, GPT होता है GUID पार्टीशन टेबल, GPT जो होता है वो 2 TB से ऊपर के हार्ड डिस्क के लिए सपोर्ट करते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड GUID पार्टीशन टेबल, GUID पार्टीशन टेबल। GPT इज अ सक्सेसर ऑफ द MBR, यानी कि MBR के बाद आया था GPT। सपोर्ट मैक्सिमम 128 पार्टीशंस पर ड्राइव, इसकी मैक्सिमम जो है 128 पार्टीशन आप कर सकते हो। जैसे इसमें 4 प्राइमरी ले रहे हैं ना, तो इसमें आप क्या है 128 पार्टीशन कर सकते हो, चाहे आप प्राइमरी लो या फिर आप एक्सटेंडेड लो, टोटल पार्टीशन आप 128 कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। कैन बी पार्टीशन अप टू 18 EB, यानी कि टोटल कैपेसिटी ये 18 EB तक हो सकती है, ठीक है। GB के बाद आता है TB, TB के बाद आता है EB, ठीक है ना, तो 18 EB तक है, एक्साबाइट तक। यूज़ द MBR फॉर डिस्क स्मॉलर देन 2 TB, अगर 2 TB से कम का आपका साइज़ है तो आप MBR यूज़ करेंगे, और 2 TB से आपकी ज़्यादा हार्ड डिस्क है तो आप यूज़ करेंगे GPT, ठीक है ना। किसके GUID पार्टीशन टेबल, GUID होता है ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन, GUID पार्टीशन टेबल बनती है। अब देखो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो फैट है एक, NTFS है और REFS है, ये नया आया है रेजिलेंस फाइल सिस्टम। अब देखो यहाँ फैट की बात करते हैं, तो सेट फैट में आप क्या करते हो, जो पार्टीशन करते हो 2 GB तक का लेगा, 2 GB से ऊपर का पार्टीशन फैट में सपोर्ट नहीं करता। अगर 2 GB से ऊपर का पार्टीशन लेना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फैट 32 लेना पड़ेगा, फैट 32 जो है 32 GB तक यूज़ करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप यूज़ कर सकते हो NTFS, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। एक्स फैट जो होता है ये फ्लैश ड्राइव के लिए होता है, यानी कि पेन ड्राइव वगैरह जो आप यूज़ करते हो ना, या मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो, उसके लिए एक्स फैट होता है। एक्स फैट जो है नया फाइल सिस्टम है जो स्पीड बढ़ाने के लिए काम आएगा, यानी कि जो अगर आपने अपने पेन ड्राइव को अगर एक्स फैट में क्या कर लिया, फॉर्मेट कर लिया, तो बहुत जल्दी एक्सेस होगी, मतलब ड्राइवर वगैरह लोड करने की जरूरत नहीं है, फिर कन्फिगर होती है ना, थोड़ी बहुत देर में कन्फिगर होती है, फिर कनेक्ट होती है, फिर चलती है, टाइम लगाता है। तो अगर एक्स फैट में आप कर दोगे, खटाक लगाओगे, एकदम एक्सेस होगा, मिनटों में सेकंडों में काम होगा, और फाइल कॉपी भी तेज कर देगा ये आपकी एक्स फैट। ये एक्स फैट जो है 32, शायद ये 32 GB से ऊपर तक का करेगा, ये कैपेसिटी जो है ना पेन ड्राइव की जितनी होगी ना, जितनी अभी तक आई है उतने तक सपोर्ट करेगा, 128 GB या जितने तक अभी तक आई है उतने तक सपोर्ट करेगा ये। NTFS में देखो आपका जो है मेटा डेटा क्रिएट होता है, मेटा डेटा मतलब डेटा कंटेंस डेटा, यानी कि डेटा रिडंडेंसी के लिए यूज़ होता है NTFS। NTFS में लार्ज डेटा कम स्पेस में रख सकते हो आप, यानी कि डेटा को कंप्रेस फॉर्म में स्टोर करता है NTFS। अगर आप फैट में रखते हो डेटा और NTFS में रखते हो, तो फैट में आप ज़्यादा डेटा नहीं रख सकते, फैट NTFS में ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि क्या करता है मेटा डेटा बना के स्टोर करता है, ठीक है ना। फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हो और इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी होती है इसमें। इसमें सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हो, ACL और इनक्रिप्शन यूज़ होता है, यानी कि फाइल और फोल्डर लेवल सिक्योरिटी आप लगा सकते हो NTFS में। REFS एक एडवांस वर्जन आया है, इसमें देखो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है NTFS की, यानी कि NTFS को भी सपोर्ट करेगा ये। इसके अलावा देखो डेटा वेरिफिकेशन एंड एरर करेक्शन इसमें यूज़ होता है, यानी कि अगर आपके डेटा में एरर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको करेक्ट करेगा। जैसे पेन ड्राइव करप्ट हो गई है, आपके हार्ड डिस्क करप्ट होगी, तो अगर REFS पार्टीशन है तो वो पहले चेक करेगा सारी चीज़ें, उसके बाद उसको एक्टिवेट करके फिर काम कर सकते हो। सपोर्ट फॉर लार्जर फाइल्स डायरेक्टरी एंड वॉल्यूम्स, REFS बना है लार्ज फाइल्स के लिए, 2 TB से ऊपर की जितनी भी
आप ड्राइव है उनको REFS से फॉर्मेट कर सकते हो, या तो NTFS लोगे या REFS लोगे, दो ही तरह के आप लोग। स्टोरेज स्पेस अभी मैंने आपको बताया, स्टोरेज पूल वाला कॉन्सेप्ट जो है, फिजिकल डिस्क को स्टोरेज पूल में कन्वर्ट करके वर्चुअल डिस्क बना के फिर आप जो है हार्ड डिस्क को यूज़ करोगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने यूज़ की, डिस्क मैनेजमेंट और स्टोरेज पूल, ठीक है। ये पार्टीशन वगैरह ये तो पहले मैंने बता ही दिया था आपको, प्राइमरी और लॉजिकल एक्सटेंडेड पार्टीशन ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले। अब ये सब वॉल्यूम आएंगे, इसको छोड़ो, ठीक है। अब हम इसका लैब करते हैं, इसका स्टोरेज का लैब कैसे कर सकते हैं, अब करते हैं लैब इसकी। तो देखो यहाँ पे सर्वर है, ऑन कर लेता हूँ अपने सर्वर को। तो आज हम करते हैं इसके बाद लैब इसका, तो iSCSI स्टोरेज का लैब करेंगे पहले। तो इसके लिए देखिए सर्वर पे आ गए हम, तो ये मेरा सर्वर है, तो इसमें आ जाएंगे हम सर्वर मैनेजर में। तो सर्वर मैनेजर में देखो ऐड रोल्स एंड फीचर में जाएंगे, रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन लेंगे, सर्वर सेलेक्ट करेंगे। देखो मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.100 Win2K8DC1 नाम है इसका। और देखो यहाँ पे हम फाइल एंड स्टोरेज के अंदर जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे इसमें फाइल एंड iSCSI सर्विसेज को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ मिलेगा आपको iSCSI टारगेट सर्वर, ये रहा, इसको लेना है। और नीचे वाला iSCSI टारगेट स्टोरेज प्रोवाइडर, ये दोनों ऑप्शन आपको लेने हैं, नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल कर देना है। यानी कि आपने iSCSI टारगेट प्रोटोकॉल अपने सर्वर पे डाल दिया, यानी कि जहाँ पे हार्ड ड्राइव अवेलेबल है। मैं अपने सर्वर को स्टोरेज बना रहा हूँ तो मैं अपने हार्ड ड्राइव को यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे ये टारगेट बन गया, यानी कि ये स्टोरेज बन गया सर्वर। अब इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपने क्या बनाया था, स्टोरेज पूल बनाया था, स्टोरेज पूल की जो हार्ड ड्राइव है उसको यूज़ करेंगे आप इसके लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। हमने 500 GB का पार्टीशन बनाया था ना, अभी और भी जगह हमारे पास खाली है, उसको यूज़ कर सकते हैं पूरे को हम, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल। जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ, एक दूसरी मशीन जिस पे इसको एक्सेस कराना है मुझे, एक दूसरी मशीन मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसमें देखो मैंने आईपी एड्रेस सेट किया हुआ है 192.168.1.200 और DNS सर्वर एड्रेस डाला हुआ है 1.100, यानी अपनी सर्वर का आईपी एड्रेस। तो ये चीज़ आप कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पे। इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है iSCSI इनिशिएटर के लिए आप जो है SCSI, ये देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएगा iSCSI इनिशिएटर का। ये क्लाइंट मशीन या सर्वर कहीं जहाँ पे iSCSI इनिशिएटर यूज़ करना है आप, यस करो, इसकी सर्विस रन हो जाएगी iSCSI की। ये देखो ये iSCSI इनिशिएटर प्रॉपर्टी खुल गई आपकी। अब से आपसे पूछ रहा है टारगेट ऑफ, टारगेट का आईपी पूछ रहा है, तो टारगेट आपका कौन सा है, सर्वर है, तो सर्वर का आप आईपी डालोगे, इसको कनेक्ट करोगे, कनेक्ट कर देगा। तो इससे पहले मुझे हार्ड डिस्क बनानी पड़ेगी सर्वर पर, तभी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो सर्वर पे आ गया मैं, ठीक है। आने के बाद अब देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, और इसमें देखो iSCSI ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्चुअल डिस्क क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे आ रहा है टास्क, यहाँ पे आ रहा है न्यू वर्चुअल डिस्क बनाने के लिए। तो ये न्यू वर्चुअल डिस्क विजार्ड आ गया, यहाँ पे आप वर्चुअल डिस्क बनाओगे। देखो हमने यहाँ 500 GB वाली कैपेसिटी के अंदर बना रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो देखो इसके अंदर देखो ये सेलेक्ट हो गया पाथ्स, iSCSI वर्चुअल डिस्क ई के अंदर आ गया। यहाँ पे हमने डिस्क जितनी भी आप ब्लॉक देना चाहें उसको आप दे सकते हो। तो आपने डिस्क यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, दिस इज ए वी डिस्क। तो ये देखो क्या करेगा, एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाएगा, इसका एक्सटेंशन होता है .vhdx, vhdx जो एक्सटेंशन है
वर्चुअल हार्ड ड्राइव एक्सटेंडेड, यानी कि आप 2 TB से ऊपर का भी ले सकते हो इसको। देखो अब यहाँ पे देखो आ रही है 500 GB की हार्ड डिस्क। अब ये कह रहा है फिक्स साइज लेना है या डायनेमिक एक्सपेंडिंग। अगर डायनेमिक एक्सपेंडिंग लेते हो ये देखो, तो क्या करोगे, ज़्यादा कैपेसिटी भी यूज़ कर सकते हो। 500 GB मेरे पास है, इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो डायनेमिक एक्सपेंडिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है डिफरेंसिंग। डिफरेंसिंग जो डिस्क होती है इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो डिस्क आपकी क्रिएट करेगा वो क्या करेगा, आप जैसे आपने एक नई हार्ड डिस्क बना ली और डिफरेंसिंग डिस्क बनाई है, उसके अंदर जो भी आप डेटा डालते हो ठीक है उसको रिवर्ट कर सकते हो, यानी कि उसको वापस से उसी इनिशियल फेज़ में ला सकते हो जिस फेज़ में वो पहले थी, यानी कि डेटा डालने के बाद उसको रिवर्ट बैक भी कर सकते हो, आप रिवर्ट चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये से होती है डिफरेंसिंग वाली। डायनेमिक एक्सपेंडिंग में आप एक्सपेंड कर सकते हो, फिक्स में फिक्स साइज ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फिक्स साइज की मैं यहाँ पे 2 GB की एक हार्ड डिस्क बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ, आइस का जी टारगेट लेंगे यहाँ पे। अब ये टारगेट जो हम बना रहे हैं आइस का जी, वो इस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, इस वाले को। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है, सर्वर 001 कुछ भी नाम रख दो इसका, टारगेट का। अब ये कह रहा है iSCSI इनिशिएटर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे, तो iSCSI इनिशिएटर का IP एड्रेस हमें डालना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे और यहाँ पे लेंगे IP एड्रेस ऑफ इनिशिएटर। तो इनिशिएटर का जो एड्रेस था हमारा वो था 192.168.1.200 ये सर्वर का आईपी एड्रेस ले लिया। नेक्स्ट करेंगे, ये ऑथेंटिकेशन है इसको रहने दो। नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट कर दो। तो अब ये देखो यहाँ पे एक डिस्क क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वर्चुअल डिस्क आपकी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब इतने का ब्लॉक बन गया आपका, 2 GB का एक ब्लॉक बन गया आपका। अब ये वर्चुअल डिस्क आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये देखो अब ये क्लियरिंग हो रही है। क्लियरिंग जो होती है ये फिक्स में होती है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रैक सेक्टर क्रिएट कर रहा है इसमें। क्लियरिंग का मतलब है कि भाई पहले से उतना फिक्स साइज स्टोरेज से उठा लेगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्लियरिंग करता है ये। अगर आप वो ले लोगे कौन सा थिन वाला डायनेमिक एक्सपेंडिंग, तो उसमें नहीं करेगा, उसमें अपने आप ही जब तक डेटा नहीं डाला तब तक वो जो है वो तो बन ही गया था, हाँ वो बन जाता तुरंत ही। अब इसमें क्लियरिंग कर रहा है, देखो ये फिक्स है, ठीक है ना। तो 2 GB के कैपेसिटी की ये हार्ड डिस्क बना रहा है यहाँ पे अभी, देखो ये क्लियरिंग पूरा होना देना चाहिए, इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। हाँ उसमें रिवर्ट चेंज हो जाता है, जो आप इसमें डेटा डालोगे ना वापस से हो जाएगा, वापस से फिर जीरो हो जाएगा, वो भी एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए। नॉट कनेक्टेड आ रहा है, सर्वर 001 टारगेट नेम आ रहा है। अब इसे देखो कनेक्ट करेंगे, देखो नीचे यहाँ पे एक IQN क्रिएट हो गया, देखो IQN नंबर जनरेट हुआ है इतना बड़ा, देखो ठीक है ना, ये देखो IP एड्रेस आ रहा है, ये देखो इनिशिएटर ID आ रही है 200 को कनेक्ट करेगा ये। अभी देखो अभी आइडल पड़ा है, अब इसे कनेक्ट करेंगे। देखो तो हम जाएंगे अपने सर्वर पे जहाँ पे हमें हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, टारगेट नेम पूछ रहा है देखो, तो 192.168.1.100 ये IP है। क्विक कनेक्ट पे जाएंगे, जैसे करेंगे देखो हार्ड डिस्क अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी, IQN को पहचान लिया उसने और कनेक्ट हो गया। कनेक्टेड होने के बाद देखो यहाँ पे डिस्कवरी पोर्टल आता है, तो उसमें डिस्कवरी पोर्टल में 3260 ये रिमोट पोर्ट होता है, इसके थ्रू ये कनेक्ट होता है, ठीक है ना। फेवरेट टारगेट आ रहा है, ये देखो IQN नंबर यहाँ पे आ रहा है। वॉल्यूम्स एंड डिवाइसेस, इसमें आपको ऑटो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, तो जैसे आप ऑटो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे ये हार्ड डिस्क आके यहाँ माउंट हो जाएगी। ऑटो कॉन्फ़िगर हो गया आपका, उसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। इसके बाद आप जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में,
डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद, जैसे आप डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे, आपको एक हार्ड ड्राइव नज़र आएगी यहाँ पे 2 GB की आ रही है। इसको आप ऑनलाइन कीजिए और इनिशियलाइज कीजिए। ये देखो, ये हार्ड डिस्क आके यहाँ लग गई। अब इसमें पार्टीशन बना लो आप एंटीपस में, इसका नाम रख दो, मूवीज कुछ भी रख दो। तो ये आपको स्टोरेज से मिली है हार्ड ड्राइव, ये सर्वर पे जो आई है ये स्टोरेज से आपको हार्ड ड्राइव मिली है। ये देखो, अब ये माय कंप्यूटर में जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखो, इसमें आप डेटा डाल लीजिए जितना आपको डालना है। जितना ब्लॉक दिया है उतना ही यूज़ करेंगे, 10 GB थोड़ी ले लेगा वो, 2 GB दिया है उसे तो। सर, किसी क्लाइंट मशीन पे अगर हमें ठीक है एक्सेस करना हो पाएगा, क्लाइंट मशीन पे हो जाएगा, करके दिखाओगे एक बार? सेम प्रोसेस होएगा, सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। ठीक है सर, जैसे हमें इसका मशीन का इनिशिएटर का आईपी पता होना चाहिए ना, इसमें आईपी बताओगे तभी हम लोग वहां पे टारगेट में। हां हां, वो तो आपको पहले मेंशन करना पड़ता है ना। देखो, अब यहां पे जाके रिफ्रेश करो आप, कनेक्टेड आ जाएगा। देखो, कनेक्टेड हो गया। तो सर, जैसे मतलब जो आईपी डीएचसीपी से चेंज होते रहते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर स्टैटिक आईपी डालना पड़ेगा मशीन पर? ये बेसिकली सर्वर को ब्लॉक देने के लिए होता है, क्लाइंट को तो होता ही नहीं है। क्लाइंट को दे सकते हो, पर अगर आईपी चेंज हो रहा है बार बार तो फिर दिक्कत करेगा। हाँ, फिर आईक्यू नंबर देना पड़ेगा। अगर आप आईपी से नहीं करना चाहते तो फिर आईक्यू नंबर देना पड़ेगा आपको। आईक्यू नंबर जो होता है, नहीं नहीं नहीं, वो जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके होगा। हाँ, आईक्यू नंबर ये जनरेट हो जाता है ना, ये वाला जनरेट करके उसको देना पड़ेगा कि भाई ये आपका आईक्यू है, इससे कनेक्ट हो जाएगा। पर ये होता सर्वर्स के लिए, मतलब ये वाला ब्लॉक? हाँ, वैसे सर्वर के लिए होता है, क्लाइंट को भी दे सकते हो आप। ये देखो, ये आ गया डेटा आपने यहाँ पे। आप देखो, इसको आप कभी भी इजेक्ट कर सकते हो यहाँ से। देखो, यहाँ से होगा वो, इनिशिएटर में जाओगे आप फिर से, इनिशिएटर में डिस्कनेक्ट, यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट पे जाओ, इनएक्टिव, यहाँ से हट जाएगी हार्ड डिस्क, हट गए। फिर कनेक्ट करोगे, ओके करोगे, फिर से लग जाएगी। देख रहे हो, तो पोर्टेबल चीज़ हो गई, कभी भी कनेक्ट करो, कभी भी डिस्कनेक्ट करो। देखो, डिस्कनेक्ट कर दी मैंने, यहाँ से हट गई, हट गई ना। अब देखो, अब मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूँ, आ गया। अब मैं अपने सर्वर पे इस हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकता हूँ। देखो, इसके लिए आपको यहाँ से इसका टारगेट जो है रिमूव करना पड़ेगा। ये कर दिया आपने, टारगेट रिमूव कर दिया आपने। अब इसको यूज़ कर लीजिए आप। ई ड्राइव में देखो, आईएसकेजी वर्चुअल डिस्क, ये आपकी डिस्क है, इसको यहाँ माउंट कर दीजिए। एक मिनट, यहाँ से भी इसको हटाना पड़ेगा। तो रिमूव कर देगा, डिसेबल कर दो। अब यहाँ पे इसको माउंट कर दो। ये देखो, आ गया डेटा। आप इसको कहीं भी माउंट करके, यहाँ पे माउंट करके यूज़ कर लिया। पोर्टेबल चीज़ है, राइट क्लिक करो, इजेक्ट कर दो। हट गई,
ये रही आपकी हार्ड डिस्क, राइट क्लिक करो, माउंट करो, आ गई। हटाना है फिर से, इजेक्ट करो, इजेक्ट हट जाएगी यहाँ से। ISO फाइल भी माउंट हो जाती है, ISO फाइल डाल दो। हाँ वो भी माउंट, ये तो ये भी वैसी ही होगी, हार्ड डिस्क रेडी टू यूज़ वाली है, कहीं भी यूज़ करो, कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से आप स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखो, आप यहाँ से डायरेक्ट VSD बना सकते हो, क्रिएट VSD आ रहा है। ठीक है, लोकेशन आप बताओ, देखो यहाँ पे VSD आप रखना चाहते थे ई ड्राइव में, ये देखो एफ है, ये तो ई, यहाँ पे आप रख दीजिए, इसका नाम डाल दीजिए, VHD या VHDX, VHDX आपने लिया, सेव किया। यहाँ पे आप कैपेसिटी बताओगे इसकी, ठीक है, 2 GB के ले रहे हो आप। देखो ये 2 TB तक है, 2040, और ये 64 TB तक है, ये अगर आप लेते हो तो 64 TB तक बनेगी। फिक्स साइज डायनेमिक है, देखो अब डायनेमिक इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, देखो डायनेमिक एक्सपेंडिंग में आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, उससे कैपेसिटी से ज़्यादा आप डायनेमिक वाला ले लीजिए। ये देखो ये बन गई, यहाँ पे तुरंत ही लग जाएगी, जैसे आप करोगे इनिशियलाइज करो और इसमें पार्टीशन बना के यूज़ करो आप। ठीक है, यहाँ से आप इसको देखो डिटैच करोगे तो ये हट जाएगी, यहाँ से हट गई यहाँ से, ठीक है, और ये देखो आपकी यहाँ पे आ गई, आ गई ना। अभी इस हार्ड डिस्क को यूज़ करना चाहते हो आप, तो उसके लिए फिर से आप क्या करोगे, iSCSI स्टोरेज में जाओगे, देखो सर्वर मैनेजर में जाएंगे, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, iSCSI, इम्पोर्ट iSCSI वर्चुअल डिस्क आ रहा है ऑप्शन, क्लिक करेंगे और यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे। ई में था ये, देखो ये वाली डिस्क थी जो हमने बनाई थी वहाँ पे, ओपन करेंगे, न्यू iSCSI टारगेट, और यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे उसको। कहाँ एक्सेस करवाना है उसका IP एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। हाँ तो ऑथेंटिकेशन मांगेगा फिर, हाँ हाँ ठीक है, रिफ्रेश कर दिया आपने, अब यहाँ पे एक्सेस कर लो आप, यहाँ पे फिर से आप iSCSI में जाओ, इनिशिएटर में जाओ और यहाँ पे सर्वर का IP एड्रेस डालो, क्विक कनेक्ट करो। देखो अब दो आ रहे हैं, ये DDD वाला ले लो,
डन। वॉल्यूम्स में जाओ, ऑटो कॉन्फ़िगर करो। ये 2 TB की देखो, ये यहाँ पे 2 GB की लग गई हार्ड डिस्क, क्योंकि ये पहले से फॉर्मेटेड है तो डायरेक्ट आपको यूज़ करवाएगी, ठीक है ना। आप चाहते हो कि भाई उसे रेडीमेड मिले, मतलब उसे कुछ करना ही ना पड़े, तब आप क्या करोगे, पहले वर्चुअल डिस्क बनाओगे और फिर इसे इम्पोर्ट करोगे, या कुछ डेटा भी रख के देना है तो दे सकते हो उसको। अगर मैं कुछ डेटा रख के देना चाहूँ तो दे सकता हूँ उसको, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये था आपका iSCSI स्टोरेज। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।